मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कोल्ड वॉर एक बार फिर से शुरू होती दिख रही है। कर्मचारी संगठनों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट पूर्व हुई बातचीत का एक वीडियो अब सामने आया है। इसमें सचिन पायलट का नाम लिए बिना अशोक गहलोत ने सियासी संकट और पायलट की तुलना कोरोना से कर दी। जरा सुनिए। मैं ये बोल रहा हूँ एक बड़ा कोरोना आ गया हमारे पार्टी के अंदर। कभी भाई इलेक्शन, कभी महाराष्ट्र चुनाव में भी वोटों लेना पड़ा। उनका टाइम बीता है ना, वो अलग तरह बीता है। उसके बावजूद भी आप सबके आशीर्वाद के सहयोग से, समर्थन से, दुआओं से हमने तो शानदार स्थिति में लेके आए थे। उस कांधे ही इतने बातें ढक गई है। अगर हमारे अच्छे बेनिफिट होते ना, तो आज आप और लोग सब इस माहौल में बात करते हो, बात ही नहीं करता। एक बात क्योंकि देखिए इतना चार साल में जो बर्बादी हुई हमारी खुद की, जिस प्रकार से दिन खराब हुए हैं, मिलना नहीं जुलना नहीं, कभी कोरोना से काम नहीं मिलो, फिर बड़ी कोरोना दो बार तीन बार हो गया, फिर बड़े हार गया, वो लग गया अटल, वो कोविड हो गया, वो मेरे वार्डिंग पर भी रही नहीं। तो तमाम तरीके मैं खुद इन बातों में ऐसा सकूं जो आप कह रहे हो कि मैं मिल नहीं पाया। मैं थोड़ी मजाक में कहती छप्पन 21 वाली बात पर कह रहा हूँ मैं आपको भी अपने मन में लगाऊ मंदिर को मिलेंगे। आप जब कभी आए जो पंडित को आओ या फिर कभी कभी मंदिर को जाए अभिनंदन आएंगे। कई बार मंदिर को मांगे कोई डिलीवरी अगर हो गया तो मैं आपको मेरा अभी पता लगेगा मैं कब मिल रहा हूँ। मिलेगा मुझे अगला निवेदन है कि आपके ऑफिस से पत्र निकलते हैं जी के साइन थे या आत्मेन के साइन थे और माननीय एस एस साहब उनके कार्यवाही नहीं करते हैं। और मैं स्मरण पत्र लिखवाता हूँ आपके ऑफिस से, उसके बाद भी 6 महीने तक आपके पत्र पर यदि कार्रवाई नहीं हो रही है तो क्या हाल होगा एमएलए का? ये बड़ी बुरी मैं अब निवेदन करूंगा। मेरे एक शेर से मेरा उनका शेर इससे शुरू करता हूँ बात, अब से मेरा टाइम पूरा नहीं। 3 मिनट सुना है दरबार में कल अशरफिया बटी थी, सुना है दरबार में कल अशरफिया बटी थी, अफसोस में दरवाजे पर एक रोटी के लिए खड़ा रहा। मैं संविदा प्रेमियों की लड़ाई लड़ रहा हूँ और संविदा प्रेमियों को आपने मेरी 1450 किलोमीटर की दांडी यात्रा, 6 दिन का उपवास आपने खुद में तोड़वाया, मेरा 93 दिन का और 215 दिन का धरना, लेकिन सर अफसोस मुझे खून क्या सर मुझे कुछ नहीं है। संविदा प्रेमियों के अनुभव को सुनने करना उनके पेट पे लात मारने के बराबर। दरअसल बुधवार को बातचीत के दौरान संविदा कर्मचारियों के नेता शमशेर भालू खान ने मुख्यमंत्री के नहीं मिलने की बात कही तो गहलोत ने बात काटते हुए कहा, आप ठीक कह रहे हो, मैं मिलने लगा हूँ, पिछले सोमवार को मिला था। क्या हुआ कि पहले कोरोना आ गया, फिर एक बड़ा कोरोना आ गया हमारी पार्टी के अंदर। वही पिछले 3 दिन से भी सचिन पायलट भी सभाओं में पेपर लीक को लेकर सरकार पर हमलावर दिखे हैं।